नहीं, ब्लॉगर ब्लॉगर तो नहीं है, बट गाड़ी चलाते हैं ऐसा थोड़ा बहुत। आप यूट्यूब पे किसको देखते हो? फर्स्ट जो जिसने स्टार्ट किया है हाँ हाँ ब्लॉगिंग हाँ हाँ मुंबई के निखिल ही है। इस वीडियो में फिलहाल जब मैं इस प्रोडक्ट को एक बार रिटर्न कर देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्रैश गार्ड आपको जेन्युइनली में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ क्रैश गार्ड, आई वुड रिकमेंड बाय इट फ्रॉम। सो काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी टाइम लगा, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन हो चुके हैं। फाइनली उनसे कॉल पे बात करी है एंड दे आर एग्रीड, और वो मान गए हैं कि आप अपना बैश प्लेट रिटर्न कर दो, वो हम आपको उसका रिफंड कर देंगे। अब रिफंड कैसे करेंगे, आई हैव नो क्लू। वॉलेट में डालेंगे या फिर वो मेरे बैंक अकाउंट में डालेंगे, नो आइडिया। बट या रिटर्न के लिए एक्सेप्ट हो गया है, सो आई एम सेंडिंग देम बैक देयर प्रोडक्ट वाया कोरियर वाया इंडिया पोस्ट, जहाँ से मुझे आया था। और साथ साथ जो हैंडल बार राइजर्स थे वो रिप्लेस में होंगे, उनको रिटर्न मिलेंगे और मुझे वो वापस कोरियर करेंगे जो मैंने ब्लैक ऑर्डर किया था। तो इट्स अ गुड न्यूज़, देर आए दुरुस्त आए, बट रिटर्न प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया कि हमने कौन सी एक्सेसरीज लगवाई, मैं कौन सी पर्सनली प्रेफर कर रहा हूँ और किन चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम्स हुई। इस वीडियो में फिलहाल जब मैं इस प्रोडक्ट को एक बार रिटर्न कर देता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्रैश गार्ड आपको जेन्युइनली में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और अगर आप लगाते हो, खरीदते हो, तो आपको कौन सा वाला खरीदना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे, इसको टाइट कर देते हैं यार, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, जैसे कि मैंने बताया जाना वालों का अवेलेबल है, जेबी वालों का अवेलेबल है, बंदी स्टॉप वालों का अवेलेबल है, बंदी दो साइड हो मैं नाम कभी नहीं बोल पाऊंगा। देन देर आर मेनी अदर वेरियस ब्रांड्स यू नो विच आर सेलिंग फ्रॉम व्हाट्सएप। रिसेंटली मुझे काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे लिंक शेयर किए हैं, जो लोग ये वीस्ट्रॉम के ग्रुप बना रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, उसमें लोग अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के लिंक भेज रहे हैं। देखो यार, लोग तो अपना सामान बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, बट तुम लोग को बताना चाहिए कि तुमको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। हमारा भी ग्रुप है अपाचे का, बट मैंने उसको स्ट्रिक्टली ऑफ मार्केटिंग रखा है, ओनली फॉर ओनर्स रखा हुआ है। कोई बेचना वेचना वहाँ पे सीन ही नहीं है, सेलर कोई भी वहाँ पे आता है मैं उसको किकआउट कर देता हूँ। सो अपना वो सिस्टम है ही नहीं। तो अगर आप अपाचे चलाते हो, अपाचे आपको पसंद है, आप लेने वाले हो, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, कम्प्लीटली ओनर्स ग्रुप। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट द क्रैश गार्ड, वेदर इट्स रिक्वायर्ड, हाउ इट विल बी यूजफुल, एंड इफ यू आर प्लानिंग टू बाय, फ्रॉम विच सोर्स यू हैव टू बाय, विच वन इज द बेस्ट राइट नाउ। भाई सब कहाँ अंदर गलियों में बनाया हुआ है यार, पोस्ट ऑफिस। ऑल राइट, गॉट इट। सरकार को लगता है भाड़ा कम पड़ता होगा यहाँ पे अपने को काम से मतलब है भाई, ये पहुँच जाए, अपने को रिफंड आ जाए, और कुछ नहीं चाहिए। और मैडम ये कुरियर करना हो जाएगा अभी? इसको प्रॉपर अभी पैक करना पड़ेगा आपको, ये चारों साइड ही ऐसी ब्राउन कलर है। ये वाला टेप नहीं चलेगा, ये जो लगा हुआ है ऑलरेडी? ओके ओके मैम, एक्चुअली मैं अभी गांधीनगर से आ रहा हूँ, तो अभी आपके पास टेप होगा जो वापस जाना पड़ेगा, मतलब अभी टेप है नहीं मेरे पास करेंटली, तो कुछ थैंक यू। एड्रेस हाँ फ्रॉम का है मेरे पास, हाँ थैंक यू मैम। टाइम डिफरेंस होता है दोनों में, वो थोड़ा जल्दी पहुंचेगा, पार्सल में एक हफ्ते से ऊपर सारे लग सकते हैं, डिस्टेंस ज्यादा है। ओके मैं स्पीड पोस्ट कर दो, या या मैम टाइमिंग क्या है ऑफिस का? ओके ओके मैम, ये ट्रैकिंग डिटेल्स जो ओके ईजी वाला नंबर है ना, वही है आपके ट्रैकिंग डिटेल्स ना। मारा नहीं लिया हूं, तुम्हें ले लो, तुम लेवानो जान पेलो ना, चेकबुक नहीं लाया ना, सही लेता हूं तो कहता था। ओके मैम थैंक यू। एक और काम है यार चश्मे का, वो भी निपटाते हैं फिर चलते हैं। स्पेक्स आप लोगों से बनवाया था, वो टूट गया है, तो उसका ग्लास उसको रीयूज करना है, तो हो जाएगा नए फ्रेम के साथ। नहीं नहीं ये नहीं सही करना है,
ऑलराइट गाइस, तो निकल रहे अभी हम लोग विश्राम लेके, अपाचे रख दिए। सो अल्टीमेटली प्लान विश्राम लेके निकलने का था, बट मैंने कहा वो कोरियर है, डब्बा है, तो मुझे इस पर टैंक पे नहीं रखना, नई नई गाड़ी है। और बात करते हैं विश्राम एसेसरीज की, स्पेशली द क्रैश गार्ड। सो फाइनली एवरीथिंग हैज़ बीन सॉल्व्ड। इंजन बैच प्लेट जो मैंने ऑर्डर किया था, इट्स नॉट कम्पैटिबल, वो मैंने रिटर्न कर दिया है। आई डोंट नो यार, मतलब मुझे कंप्लेन था इसके साइड मिरर से, बट द डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस, मुझे तो पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। नॉट स्पेशली द आर्म, द मिरर डिज़ाइन, आर्म इज़ वेरी थिन एंड फिल्मजी, बट द डिज़ाइन इज़ वेरी नाइस, मतलब लुक आ रहा है। नो डाउट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये जो टेल लाइट्स जो इन्होंने उठाए हैं, इंट्रूडर में भी यही है, जिक्सर में भी यही है, सो दैट इज नॉट इम्प्रेसिव, इट्स रियल बैड। वी आर टॉकिंग अबाउट जो एसेसरीज मैंने ऑर्डर किया, उसमें फाइनली क्या कंक्लूजन आया, तो मैंने बताया इंजन बैच प्लेट रिटर्न हो गया। जीपीएस माउंट में एक्चुअली मैं रिटर्न करना चाहता था, बट जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर वर्कशॉप वाले इसको लगा पाएंगे और वो बोलेंगे कि कोई इशू नहीं है, सो आई विल बी इंस्टॉलिंग दिस, बिकॉज दिस थिंग इज डूएबल। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल यूज़ है, मैं इस पर अपना कैमरा यूज़ कर सकता हूँ, मैं इस पर फ़ोन लगा सकता हूँ, सो ये चीज़ प्रैक्टिकल है। और अगर मुझे हल्का सा भी छेड़छाड़ करना पड़ रहा है और मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रहा, तो मैं ये लगवा दूंगा। ये मैंने फ़ोन पे भी उनको बोला था कि मुझे जीपीएस माउंट का ही प्रॉब्लम है, बट दैट थिंग इज़ डूएबल, चेंज कर सकते हैं, सो दैट इज़ फाइन। बट इंजन बैच प्लेट का इशू है जिसका सोल्यूशन अभी तक नहीं आया। और क्रैश गार्ड में आने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट दिस जीपीएस माउंट थिंग। ये जो हमारा नंबर प्लेट है, ये पहले ऊपर की तरफ था, अगर आप देख सकते हो मेरे पुराने वीडियोस में, अब ये फ्लैट आ चुका है। ये चीज़ सॉलिड है और मुझे कॉन्फिडेंस आया है, बिकॉज इसमें ये देखो, जब आरटीओ की नंबर प्लेट मिलती है ना, तो वो लोग जो मशीन से करते हैं ना, जो रिवर्ट करते हैं ना, वो करी हुई है। तो दिस थिंग, दिस नंबर प्लेट इज नॉट जस्ट इंस्टॉल्ड यूजिंग स्क्रूज, बंदी दोस्त वालों ने इसके साथ स्क्रू दिया है इसको लगाने के लिए। बट स्क्रू करोगे ना तो वाइब्रेशंस होगा, स्क्रू निकल जाएगा, प्लेट निकल जाएगी, यू नो, ढीला होता रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। तो इट्स वेरी मच, मतलब ये है कि नंबर प्लेट इससे नहीं निकलने वाली। हाँ, वो अलग बात है कि इनका माउंट निकल सकता है। इशू तब आ सकता है जब मैं इस पर फ़ोन माउंट करूँगा, जो बड़ा सा माउंट होगा, उस पर वेट लगेगा, तो जब मैं गाड़ी चलाऊँगा, देन मैं रियलाइज़ करूँगा कि वो फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट 250-300 किलोमीटर चला लिया है, मुझे स्क्रीन पे, बॉडी पे, हेडलाइट पे, या इस पूरे सिस्टम पे कोई भी वाइब्रेशंस नहीं लगी। सो आई एम नॉट अ बिग फैन कि मैं मोबाइल साथ में रखूं और गाड़ी चलाऊं, मैं तो नहीं हूं यार। मैंने छोटे मोटे जो राइड्स किए हैं, मेरे को उसमें मज़ा नहीं आता, बिकॉज यू नो, हम ग्लव्स पहनते हैं, इवन तो ग्लव्स में बोलते हैं कि फिंगर टिप जो होता है वो टच कर सकता है, बट मुझे लगता है कि अगर फ़ोन आपके टैंक बैग पे या फिर यहाँ पे कोई हैंडल बार पे कुछ कवर हो या बैग हो, उस पर अगर फ़ोन हो बैग के अंदर सेफ, वाटरप्रूफ, वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट राइट नाउ इमरजेंसी के लिए मैंने ये यूज़ किया, दिखने में अच्छा लगता है, इशू नहीं है, बस एक यहाँ पे माउंट लेना है और फ़ोन कनेक्ट करना है। नॉट जस्ट फोन, आई कैन इवन यूज़ दिस माउंट फॉर माई एक्शन कैमरा। सो फॉर नाउ द हैंडल बार राइजर्स रिटर्न हो चुके हैं, उसका मुझे रिप्लेसमेंट मिलने वाला है, जो मेरे पास पड़ा रहेगा, आई एम नॉट गोइंग टू इंस्टॉल राइट नाउ। जीपीएस माउंट था, मैंने इंस्टॉल कर दिया, फिक्स्ड, प्रॉपर सोल्यूशन मिल चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन बैच प्लेट। सी, बंदी दोस्त वालों का एक ही इंजन बैच प्लेट का प्रोडक्ट है, तो जब तक मैं इस क्रैश गार्ड को यहाँ से निकालूंगा नहीं, तब तक वो इंजन बैच प्लेट इंस्टॉल नहीं होगा। अभी आप लोग पूछोगे कि बंदी दोस्त वाले या दूसरे वेबसाइट वाले क्रैश गार्ड के साथ इंजन बैच प्लेट लगा रहे हैं, सो लेट मी टेल यू, वो लोग कॉम्बो बेच रहे हैं। अगर आप कॉम्बो खरीदते हो, देन इट इज़ परफेक्टली कंपैटिबल, क्योंकि कॉम्बो में जो ये वाला क्रैश गार्ड है, उसका माउंटिंग जो पोजीशन है, दैट इज़ डिफरेंट जो वो लोग क्रैश गार्ड दे रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों का क्रैश गार्ड लगाओगे, तो उसका जो माउंटिंग प्लेस होगा वो यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर आप इस क्रैश गार्ड को निकाल दोगे और जेबी या फिर बंदी दोस्त या फिर आप जाना का क्रैश गार्ड लगाओगे, दैट क्रैश गार्ड इज परफेक्टली इन सिंक विद योर इंजन बैच प्लेट। सो इन कंक्लूजन, लेट मी टेल यू गाइज, इफ यू आर ऑर्डरिंग इंजन बैच प्लेट, ऑल्सो ऑर्डर क्रैश गार्ड, द एडवेंचर क्रैश गार्ड। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स, द कैश पॉइंट, कि मैंने खरीदा, मुझे इशू क्यों आया। नाउ आई एम टेलिंग यू फ्रॉम वेयर टू बाय। सी, देर आर मेनी वेबसाइट्स आई वुड रिकमेंड, अगर आपको क्रैश गार्ड चाहिए तो आप परचेज करो बंदी दोस्त से या फिर जाना से। सी, जाना का जो क्रैश गार्ड है ना, मैंने जो देखा सुजुकी का, इट्स वेरी अगली, बड़ा सा नो रेक्टेंगुलर रॉड है, एंड देन आई डिडेंट लाइक इट टू बी ऑनेस्ट। मुझे स्पेशली बंदी दोस्त की वेबसाइट से जेबी का क्रैश गार्ड अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हाफ वे तक कवर होता है,
करेक्ट, वो ऊपर तक भी नहीं है. जो उन्होंने इनिशियली लॉन्च किया था दैट वॉज पूरा कवर्ड था, बट स्टिल दैट इज ब्यूटिफुल देन तजाना वन. बट अभी आप अगर बंदी दोस्त पे जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, उनका जो जेबी का क्रैश गार्ड है अराउंड 3000 समथिंग, दैट इज स्टिल ब्यूटिफुल एंड गुड लुकिंग देन द अदर क्रैश गार्ड. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ क्रैश गार्ड, आई वुड रिकमेंड buy it from Bandi Dost along with the engine bash plate. Tabhi koi fayda hai bhai. To agar aap engine bash plate khareed loge to ye nikalna padega, to aapki gaadi puri bilkul bhi safe nahi hai. It's completely unsafe on roads. To main aapko bolunga ki aapko kyun khareedna chahiye. Main nahi bol raha aap khareedo, but ek question arise hota hai ki kyun khareedna hai. See, for me this crash guard is perfectly fine. Is crash guard ne mujhe bachaya bhi tha. See the whole impact जो इसने लिया है जब एक्सीडेंट हुआ था. सो आई हैव माई कम्प्लीट ट्रस्ट ऑन दिस क्रैश गार्ड. ओनली रीजन आई विल बी बाइंग क्रैश गार्ड जब मैं ट्रिप्स करूंगा, और ट्रिप्स में लेह लद्दाख जैसी ट्रिप्स होंगी, यू नो, हाई टेरेन माउंटेन रोड्स वैसा ट्रिप होगा. क्योंकि उस टाइम पे अगर आप बाइक छोड़ते हो, बाइक गिराते हो, तो ये क्या है, फुल फेयरिंग है, राइट? दिस इज स्टिल वेरी लेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोड एक्सीडेंट्स एंड ऑल, आई एम टॉकिंग अबाउट जब आप ट्रैवल कर रहे हो, माउंटेन रोड्स हैं और बहुत पत्थर है, अगर आपकी गाड़ी गिरती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी गाड़ी का जो फेयरिंग है, जो ये एजेस हैं, ये आप पूरा यू नो पिचक जाने वाले हैं. तो ये क्रैश गार्ड तब काम नहीं आएगा. टार्मेक है, हाईवेज हैं, हाईवे टूरिंग कर रहे हो, सिटी कम्यूटिंग कर रहे हो, इट्स परफेक्टली फाइन. बट जब आप लेह लद्दाख के बारे में सोच रहे हो, सो वहाँ पे ये क्रैश गार्ड इतना हेल्पफुल नहीं होगा. तो मैं रिकमेंड करूँगा बंदी दोस्त की वेबसाइट पे जेबी ब्रांड का क्रैश गार्ड है जो सिर्फ आधा है. तो जो वो हाफ वे क्रैश गार्ड है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल इन यूज, ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस, एंड एट द सेम टाइम इट विल बी हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट योर बाइक फेयरिंग. A few minutes later. क्या करते हो आप? मैं अभी तो कुछ नहीं, मेरा खुद का व्लॉगिंग चैनल है, बट चला नहीं इसलिए टेंपरेरी बंद कर दिया. ओके ओके, व्लॉगिंग चैनल है, मतलब व्लॉगिंग चैनल मतलब कैसे, क्या करते हो उसमें? मैं आउटडोर करता हूं. ओके, तो किस बैक्टिव पे? ना ना, मेरे पास बुलेट है सर. वाओ. ओके, बुलेट है. तो बुलेट पे मतलब कैसे, हेलमेट? हां, हेलमेट है ना. गोप्रो लगाया हुआ है. ओके ओके, तो कहां-कहां घूम के आए हो आप बुलेट पे? मैं जामनगर में 3-4 साल पढ़ा हूँ. सैनिक स्कूल सुना होगा आपने? नहीं सुना होगा. बालाचड़ी सुना है? हाँ, बालाचड़ी में. हाँ, बालाचड़ी में कैंपस है. आपको कौन सा पसंद है, वैसा बोल रहा हूँ, पसंद है वो? मतलब क्या, मतलब क्या, मैंने तो देखा, मैं, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, मैं तो नॉलेज नहीं है, बट क्या पसंद आता है उसमें? एक्चुअली उसका बात करने का तरीका. ओके. वो मोटिवेशन देता है नए व्लॉगर्स को. ओके ओके. और वो बहुत बार मोस्ट ऑफ द टाइम वो आई थिंक मैंने सुना है कि इंडिया में बहुत, मतलब जो स्टार्ट जिन्होंने किया है उसमें से आई थिंक ये भी आता है, जिन्होंने मोटो व्लॉगिंग. ये फर्स्ट व्लॉगर है इंडिया का मुंबई का निकल. ओके ओके. फर्स्ट जो जिसने स्टार्ट किया है. हाँ 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 हाँ. मुंबई का निकल. ओके ओके. तो अभी वो, मतलब अभी आपको उसमें क्या पसंद है, अभी उसके मतलब वीडियोस देखते हो? हाँ, मैं देखता हूँ, लेकिन कंटिन्यूअसली देखता हूँ. ओके. एक साल से मैंने बहुत कम देखता हूँ. ओके, तो मतलब उससे इंस्पायर होकर आपने भी किया है स्टार्ट. क्यों बंद क्यों किया? हर कोई यार इतना लकी नहीं होता कि उसको ये सब करने का टाइम मिले. मेरे से काम क्या करते हो अभी? तो फिलहाल कुछ नहीं, पहले जॉब करता था मैं. फिर जॉब अब छोड़ दिया? तो कैसे सरवाइव कैसे करते हो? मतलब फैमिली सपोर्ट है? तो और क्या चाहिए, तो अच्छा ना, फैमिली सपोर्ट है तो. जब मैंने पहली बार बोला था मेरे फैमिली को उन्होंने तुरंत मुझे पैसे दे दिए. अगर आप देखने में टाइम डालते हो तो खुद के लिए करने में क्यों रुक रहे हो, है ना? क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हो ना, मेरे को कितने लोग आके पूछते हैं कि आप उसको देखते हो, उसको देखते हो. मैं जनरली बताऊं, मेरा जीरो नॉलेज है, मैं किसी को देखता ही नहीं हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को देखना नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता है. मुझे लगता है कि मैं उनको देखूं उससे अच्छा मैं खुद का ना कुछ करूं यार, और साइड बाय साइड मेरा जॉब भी है. तो अगर आप देख रहे हो तो कोशिश करो कि वहां से कुछ निकालो, निचोड़ो, नॉलेज लो. टाइम पास करने का क्या, हमें कुछ नहीं मिलने वाला टाइम पास करके ना. तो आप देखो, वो इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है. लोग फालतू का इंस्पायर मोटिवेट करके मतलब खुद करोड़पति बन गए हैं. लोग साले यहाँ पे साले बेरोजगार बैठे हुए हैं, है ना? तो उनको अगर देख रहे हो तो उस चीज को फिर तुरंत यूज करो, उसको इंप्लीमेंट करो. ये नहीं कि देख लिया, छोड़ दिया, फिर नया देखा. तो ये लोग तो रुकने वाले नहीं है, तो हर दिन डालते रहेंगे. तो अपना काम तो रुकेगा ना पीछे. चलो यार, अच्छा लगा मिलकर. क्या नाम है? किशोर. चलो किशोर, मैं देखूंगा आपका चैनल, ठीक है? क्रिश इन्फिनिटी ना. चलो ओके ओके यार, चलो टेक केयर, बाय बाय.